हेलो दोस्तों मु ज्योति प्रकाश आपण देखुचंती लाइफ लाइफ टीवी तबे आपण जानी सारथिबे मु वर्तमान पई को जगह रे अछि मु वर्तमान पई अछि भुवनेश्वर रो नंदनकानन थारे ताहेले चालन तो बंधुगण आमे नंदनकानन बुली देखिवा हरिण नदी धरा दौड़ना बड़ खरा एहाकु आमे छोटटी बेले छबिला मधु बन्नबद बहिरु पढ़ी आसुछु मु आज भुवनेश्वर नंदनकानन रे पहुँची मो पछरे हरिण मैंने घास खाऊंटी बड़ मनीष एमती एक ना छोटर बड़ पर्यंत समस्ते ना संपर्क विशेष भाव परिचित आम आज भुवनेश्वर नंदनकानन रे बण मनीष देखा पहुँची किंतु अधिक खरा जो बण मनीष देखु थी तार गुंफा निकटर बाहर को बाहर ना यह दिनक दिन ह्रास पाइबार लगी शुणा बसी डेणा मेलाई एक आम के निश्चय भाव शुणी मो पक्ष देखु शुणा आगर शुणा मान बर्ज्य वस्तु को खाई सफा करदे जहाँफल आम परेश स्वच्छ रोला किंतु एवं शुणा दिनक दिन लोप पाईला एवं आम गाँ रे शुणा आ देखा मिलू पक्षीटी आप देखते केते सुंदर लगुच किचिरी मिचिरी शब्द करे घरे घरे नीड रचना करे कही पार कि नाम पिले बचटिया कौन बाबू तमें तो बर्णबोध भल से पढ़ीच मु ज्योति प्रकाश ये हेले पद्मनाभ साहू मु आगर दुई थर नंदनकानन आसी किंतु आज मु आसवा फल किसी नुआ जिनस देखा पाइली मत बहुत आज खुशी लगुच बहुत भल लगुच कि पशुपक्षी मानू मो अति निकट देखा पाई पद्मनाभ तमें कौन आज नंदनकानन ने नुआ जिनस देखा पाइल मु नंदनकानन जीवन में प्रथम थर आठ बाघ भालू सिंह हरिण माकड़ मयूर यह सब परिलिखित कर देखिपी बहुत खुशी अनुभव कर बहुत खुशी आनंद अनुभव हो नंदनकानन मध्यरे अलिया आवर्जना एने तेने पकांतु नहीं सब डस्टबिन मध्यरे पकांतु डस्टबिन यूज करंतु एवं सब पशुपक्षी मानकठु टिके दूरत्व अवलंबन करंतु पशुपक्षी मानक सहित लागंतु नहीं सेमानकु चिडांतु नहीं किंबा सेमानकु बाहरर कोनसी खाद्य दियंतु नहीं आपण माने किछि दिन तळे सोशल मीडिया रे देखिथिबे एक चिड़ियाखाना मध्यरे एक युवक गोटे बाघर पिंजरा उपरकु चढ़ी जाई जेवळी भाबे दुस्साहसिक देखाई सेल्फी उठाइथिला एवं सेल्फी उठाइबा समय रे तार भारसाम्य हर बसी से जंता भितर पड़ा बाघटी किभली कलवन कर मारिदेला से समस्त देखिथे से आप समस्त मोर अनुरोध आपत संभव पशुपक्षी मानू विशेषकर हिंस्र जंतु मानू टे दूरत्व अवलंबन कर
Thank you.
ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିବେଶ ବା ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସେହି ପରିବେଶ ଅତଳ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଉଛି ସେହି ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଚାଲୁ ରହେ, ଏହିଭଳି ଯଦି ଲାଗୁ ରହେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ କି ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରରେ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ। ଜି ହଁ ଦୋସ୍ତୋ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।